दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका कोई भी रेडमी या तो पोको का मोबाइल में बैटरी फुल गया है तो क्या आपको उसको जल्दी चेंज करा लेना चाहिए या तो आपको बैटरी रिप्लेस कर लेना चाहिए या तो बैटरी रिपेयर करना चाहिए। क्योंकि मैंने इसी कुछ ही दिन पहले एक न्यूज़ देखा, रेडमी का मोबाइल नोट 5 या तो नोट 5 प्रो का ऐसा कुछ है जिसका कि बैटरी फट के और एक बच्चा का मौत हो चुका है, लड़की का मौत हो चुका है, 10-12 साल का बच्चा है। तो उसी के बारे में हम डिटेल्सली बात करेंगे और आपको कुछ बताऊंगा जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बैटरी फुल गया है क्या आपको चेंज करना चाहिए, क्या उसको रिपेयर कर सकते हो, क्या उसको रिप्लेस कर लेना चाहिए, सभी कुछ इस वीडियो में डिटेल्सली बताऊंगा। अगर आपका घर में बच्चा है तो बहुत ही सेंसिटिव मामला है, आप इस वीडियो को एकदम स्किप मत करना, वीडियो को आखिरी तक देखना, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको कुछ बैटरी के बारे में बताऊंगा। ये जो बैटरी है लिथियम बैटरी है और हर एक मोबाइल में लिथियम बैटरी आता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पोको और रेडमी का मोबाइल का बैटरी जो है फुल जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर इस बैटरी को मैं खाली ऐसे होल ही कर दूँ तो ये बैटरी में आग लग जाएगा, क्योंकि वो जो मतलब लिथियम का जो गैस होता है ना, वो जब ऑक्सीजन में मिलता है तो तुरंत जो है मतलब आग लग जाता है। तो दोस्तों अगर आपका बैटरी फूल चुका है, बहुत ज़्यादा फूल चुका है, बैटरी का पीछे का ढक्कन जो है फूल चुका है, तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं देखना है, आपका बैटरी को रिप्लेस करा लो। दूसरा दोस्तों बैटरी रिपेयर तो हम कर सकते हैं, हम जानते हैं कि बैटरी रिपेयर करते हैं, हम लोग भी फुला हुआ बैटरी को रिपेयर करते हैं, लेकिन दोस्तों वो जो है एक स्पेसिफिकेशन मतलब एक स्पेसिफिक एक ऐसा इंसान के पास लेके जाना जो कि बैटरी के बारे में अच्छी तरह नॉलेज हो, नहीं तो वो अपना दुकान में ही आग लगा लेगा। दूसरा चीज़ है, अगर आपका बैटरी फुला है तो आपका अपना घर में जो बच्चा है उन लोग को मोबाइल मत दो, क्योंकि कभी भी बॉस्ट हो सकता है। तीसरा चीज़ है, आप अपना मोबाइल का अगर बैटरी फुल गया है चार्ज लगा के कभी भी कोई भी चीज़ यूज मत करो। जितना ज़्यादा मोबाइल गर्म होगा, बैटरी गर्म होगा, उतना ज़्यादा जो है फूलने की चांसेस रहता है और बहुत जल्दी ब्लास्ट होने का भी चांसेस रहता है। तो आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आपका बैटरी थोड़ा बहुत भी फूल चुका है तो आप उसको जल्दी से जल्दी रिपेयर करा लो या तो चेंज करा लो, तभी जाके आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। घर में बच्चा है, कब क्या हो जाए, भगवान करे ऐसा किसी का घर में ना हो और आप इस चीज़ में हमेशा अवेयर रहें। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का दोस्त लोग के साथ शेयर करना, और अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छा लगा है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।